सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ चुनार में, जनपद मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं बनाने के लिए पनीर का सब्ज़ी, पूरा देसी स्टाइल में, मेरे चाचा के यहाँ। ये विशाल है, मेरा छोटा भाई, और हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पर पनीर का सब्ज़ी। ये ताज़ा ताज़ा पनीर चिल्ली, पनीर का सब्ज़ी, ये ताज़ा ताज़ा पनीर लेके आए हैं। 75 रुपीज़ पाव चल रहा है, 80 रुपये कर लिए हैं। चिल्लर का दिक्कत होता है इसलिए 5 रुपये कौन लेगा। और ये क्या है, ये है कुछ मसाला, और ये है मीट मसाला दिया है एवरेस्ट का, अदरक टमाटर प्याज। तो अभी जा रहे हैं प्याज कटिंग करने, करते हैं इसको कटिंग इसका। आज मस्त तो बनेगा पनीर का सब्ज़ी, खाया जाएगा यहीं पर चावल के साथ। और पूरा सब्ज़ी जो है ना, आज पूरा मैं ही बनाऊंगा, कटिंग से लेके ईटिंग तक पूरा मेरा ही रहेगा। यहाँ पर मोबाइल स्टैंड है नहीं, तो मैं पूरा वीडियो जो है ना रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे कुछ कुछ हिस्सा जो होते जाएगा ना पार्ट, जैसे कट जाएगा प्याज तो उसका थोड़ा शूट कर लिया, जब वो पीस जाएगा थोड़ा शूट कर लिया, जब कढ़ाई चढ़ा दूंगा तो थोड़ा शूट कर लूँगा। ऐसे करके पूरा पार्ट पार्ट में रहेगा, सबको मिक्स करके फिर अपन उसको अपलोड कर देंगे। तो अब पहले अभी प्याज कटिंग चालू करते हैं बैठ के। और यहाँ पर ना बहुत गर्मी है, फैन भी नहीं है, प्लस बाहर बहुत सराउंडिंग ना मतलब वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं है, तो यहाँ पर बहुत उमस हो रहा है, पसीना हो रहा है, इसलिए कारण मैं वही पूरा पसीना से नहाया हूँ। और अकेले ही हूँ यहाँ पर, सब विशाल और एक और भाई है मेरा, सब नीचे में ही है। वो वाला तेल को डाल दो ना तब तक चाचा, वो जो है उसको वो भी यूज हो जाएगा। हाँ उसी को डाल दो तब तक पूरा, हाँ ट्रेन तो कपाल में डलेगा। दूध कटा दे टमाटर, इधर आ जा भाई तू, डालो चाचा। और डालो, और डालो पकेगा प्याज। हाँ बस पापा का आना चाहिए ना, तभी तो मेरे पापा देखेंगे। अच्छा वो कहाँ है, जीरा बोला है, खड़ा मसाला कुछ कर सकता ना, वो बदल जाएगा जल्दी। उन लोग देखो ना कैसे पकाते हैं लोग, उन लोग शादी ब्याह वाले। अब इसका स्लो है क्या, ऊपर रखे के तब का चलिए लाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलो बना दादी, गलते पकाना है, तो पीते नहीं है हम लोग, खड़ा काटे हैं। टाइम लगेगा, लग रहा है वहाँ इसका हाथ कुछ कम लग रहा है। क्या हुआ, नीचे का कहाँ का हाथ कम हो गया। जैसे जैसे बोला ना ऐसा ऐसा कुल मन में आता है, तो उनके छोटे भैया आए वहाँ। तो ना इसको भी पकने में टाइम लगेगा प्याज को। तो अभी हम लोग इसमें मसाला और टमाटर डाल दिए हैं। एक्चुअल में क्या है ना, प्याज रंग से बड़ा बड़ा काट दिया, इसलिए इसको पकाने में टाइम लग रहा है, बाकी कलर मस्त आया इसमें। थोड़ा सा और रखेंगे ना अच्छा कलर आप पकड़ लेगा, और पक भी जाएगा टमाटर वमाटर, बस गलने का देरी है। गला और पनीर डालें और अपना चटपटा पनीर तैयार है, मस्त दिख रहा है। तो मैं इसमें कटोरी में घोल के पूरा मसाला को डाल दिया ताकि मसाला जले मत, और देख ग्रेवी बनने की रेडी है। और चाचा जो है ना पनीर को मस्त छोटा छोटा क्यूब शेप में काट के रख दिए थे, ये देखो काट के रखे हैं, ताजा पनीर एकदम एकदम फ्रेश। खाएगा भाई,
हेलो, ये प्रोटीन है। थोड़ी देर बाद पिघल जाए पहले। डालो पूरा डालो। पानी डालेंगे ना नहीं तो। मोबाइल में तो मैसेज उसे ज्यादा जैसी बचता है। तो यहाँ पर अपना जो पनीर है रेडी हो गया है खाने के लिए। चाचा रोटी बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसका भोग लगाएंगे, अपना पेट को भोग लगाएंगे। एक नंबर का पनीर बढ़िया बना है ना, एक नंबर। ऐसा पनीर ताज होटल में भी नहीं मिलता है। क्या 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 ऐसा होटल कहाँ नहीं मिलता? ऐसा पनीर ताज होटल में भी नहीं मिलता है मुंबई। ताज होटल में भी नहीं मिलता है, वही वाला बनाया है। भाव काल मचा देंगे। ढक दो, दिखाओ उसको, किसको? थाली को दिखाओ। तो ये दे रहा है, निकाल। अब बैठो, ले गया थाली। वो कहाँ है कलछुल? ले गया ज्यादा मटन, उसके में डाल दे सूर्जा में। खाइए। साल को चावल कम हो गया। नहीं नहीं हमको मत दीजिए, सही है हमारे। हम रोटी खाते हैं यार। ग्रेवी मस्त दिख रहा तेरा। हम रोटियां थी, अगर ना मुर्गा का रस है वो पिला दे तुमको। चलो ठीक तो लग रहा है चाचा, नमक वमक ना? पनीर आपको कैसा लग रहा है? एकदम, एक बार खा चुका हूँ मैं, वीडियो नहीं बनाता, दोबारा खा रहा हूँ। तो तुमको भी क्या लग रहा है? ना बंद करें।